प्लीज तुम पहले कहाँ काम करती थी? कुछ दिन पहले तक मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। स्कूल पार्टनर्स के बीच कुछ झगड़ा हो गया और स्कूल बंद हो गया। तब से मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है। दैट्स ओके। मुझे बस जानना था। यहाँ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। माया दिन भर घर का काम करती है और शाम को वापस चली जाती है। माया बोल नहीं सकती। शी इज़ स्पीच इम्पेयर्ड। मेरा काम ही कुछ ऐसा है। अपनी बेटी पर मैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाती हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। पहले जितनी भी टीचर्स यहाँ आई हैं उनसे उसकी बनी नहीं। हमें कुछ इश्यूज हो गए थे। प्रॉब्लम्स उन टीचर्स में तो कुछ भी नहीं थी, बस मेरी अपनी बेटी ही प्रॉब्लम है। थोड़ी सी शैतान है, जिससे उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सब मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, पर तुम्हारी प्रोफाइल देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम कर लोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पसंद आओगी। तुमने अपना नाम क्या बताया था? त्रिशा। त्रिशा, दैट्स अ नाइस नेम। वैसे तुम काफ़ी दूर से आई हो त्रिशा, थोड़ी फ्रेश हो जाओ। तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। कम, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। चलो, ये रूम अब से तुम्हारा है, ओके? कमरा अच्छा है। तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवा दूंगी। ओके। पढ़ाई में तो वह अच्छी है, पढ़ने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसे कोई पसंद ही नहीं आता। थोड़ी सी भी इरिटेशन होती है उसे तो वो चिल्लाने लगती है। ड्राइंग पेंटिंग करते हुए अपना सारा टाइम कमरे में ही बिताती है। ये रही वो, आओ। निकी, मैंने तुम्हें नई टीचर के बारे में बताया था ना? ये नई टीचर पुरानी टीचर से बहुत अच्छी है। देखो, मुझे अच्छी नहीं लगी। निकी, क्या तुम बड़ों से बात करने की तमीज पूरी तरह भूल चुकी हो? यहाँ आओ और अपना इंट्रोडक्शन दो। गेट अप। निकी। हाय, मैं निकिता। यू कैन कॉल मी निकी। आई एम स्टडिंग सेकेंड स्टैंडर्ड। I like drawing, coloring, and hearing music. Don't teach me. I don't like that. Your name? Trisha. पर तुम तो एक्ट्रेस त्रिशा की तरह नहीं दिखती हो। I love Trisha. पर सिर्फ मूवी में। मुझे ऐसी नहीं चाहिए। इंट्रोडक्शन हो गया है। टीचर, don't mind her please. चलिए। अगर उसकी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके, बच्चे ऐसे ही होते हैं। यही तो बात है ना, उसे हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये पहले ऐसी नहीं थी, पर मेरी माँ के जाने के बाद ये लड़की पूरी तरह से बदल चुकी है। इसमें बहुत चेंज आया है। निकी अपनी ग्रैंडमा से बहुत क्लोज थी। उनका गुजरना निकी पे बहुत भारी पड़ा है। अपना सारा दिन दादी के कमरे में गुजारती है, वहीं अपना काम करती है। ओह, तो आपकी माँ की कैजुअल डेथ थी। बढ़ती उम्र के साथ माँ काफी बीमार रहने लगी थी। निकी अपना सारा टाइम उनके साथ ही स्पेंड करती थी। ये मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी। अरे, तुम्हें शॉपिंग करनी हो तो मुझे बता देना। हाँ, हम साथ में चलेंगे। एक्चुअली टाउन यहाँ से थोड़ा दूर है। ओके, प्लीज कम। उसे पढ़ाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे समझाना आसान नहीं होगा। ज्यादा शैतान है क्या? पता नहीं। जैसी अजय तो नहीं आया था ना? हाँ, तुम्हारे बारे में पूछने आया था। मैंने कह दिया मुझे भी नहीं पता, पर लगता नहीं उसे यकीन है। वो वापस जरूर आएगा। देखो, किसी भी हाल में तुम्हें उसे कुछ नहीं बताना है। मैंने नंबर बदल दिया है तो उसे मेरे बारे में तो पता नहीं चल पाएगा। इस रिलेशनशिप में मैं और नहीं रह सकती हूँ। He is a devil. देखो, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, बाद में बात करते हैं। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। माया के चले जाने के बाद ऐसे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। मुझे तो मैं उसे दे दूंगी। एक बार सोच लो। हाँ, तुमने सुबह देखा था ना कि उसका बिहेवियर कैसा था। कोई बात नहीं, कर लूंगी। क्या पता उसका गुस्सा कम हो जाए इससे। बेस्ट ऑफ लक। May I come in? हेलो, ये लड़की कहाँ है? गुस्सा दूध पर निकालना सही बात नहीं है। गुड नाइट। नई टीचर कैसी है? As usual, boring. तो उनका भी यहाँ कोई चांस नहीं है? मैं ट्राई तो कर रही हूँ, जल्दी भगा दूंगी उन्हें। मैं जा रही हूँ। हाँ। मेरी बच्ची, चलें? Yes, मैम। Bye. Bye. निकी, 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 निकी। लो ना, नहीं बस थोड़ा तो लो, खाओ ना। थैंक यू। तुम्हारी ये चालें औरों पर चली होंगी, मुझ पर नहीं चलेंगी। मैं अब तक तुम्हारी फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी, पर अब नो मोर फ्रेंड्स, ओनली टीचर। शार्प 9 बजे सीधे स्टडी रूम में आ जाना। डू यू गेट मी? से यस और नो। यस। ओके। भूलना मत, ठीक 9 बजे। ऑपोजिशन काफी स्ट्रांग है, तो हमारी गवाह भी कोर्ट में बहुत ही मजबूत होने चाहिए। ओके? यस मैम। साथ में जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता है, तब तक फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ओके मैम। और मैम टाइम हो गया, हम चले? ओके, बस 5 मिनट। हाँ। ओके मैम। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट और चैप्टर, इसके लिए तुम्हारे पास आधा घंटा है, फिर हम रिवीजन करेंगे। तो क्यों ना आप शुरू हो जाओ। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारी ग्रैंडमा वापस नहीं आने वाली है। तुम्हें भी ये बात पता है। तुम्हारा सबसे ऐसे लड़ना उन्हें भी अच्छा तो नहीं लगेगा ना? तुम्हें किसने कहा कि ग्रैंडमा मर गई है? वो अभी भी हमारे साथ है। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारी ग्रैंडमा अब नहीं है। माँ ने सच ही कहा है, ग्रैंडमा हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है। ग्रैंडमा यही है। तुमसे पहले जितनी भी टीचर आईं, उन्हें मैंने नहीं भगाया है, उन्हें मेरी ग्रैंडमा ने भगाया है। ग्रैंडमा की आत्मा अभी भी यहाँ है। तुम्हारी ग्रैंडमा को टीचर से क्या प्रॉब्लम है? ग्रैंडमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं जिसे पसंद नहीं करती वो भी नहीं पसंद करती। निक्की, तुम मुझे अपनी ग्रैंडमा से नहीं मिलवाओगी? टाइम आने पर ग्रैंडमा खुद तुम्हारे सामने आएगी, बस डर के मारे भाग मत जाना। देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ने दो। अगर मेरे घर में ऐसा कुछ भी हो रहा होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता? टीचर, तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा शैतान है। अरे तुमसे पहले जितनी भी टीचर्स यहाँ आई थी ना, उनको भी उसने ऐसे ही डरा के भगाया। ना, खैर मुझे लगा कि चलो। यह है मेरी माँ का कमरा। मेरी माँ और मेरी बेटी तो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा तो अपनी ग्रैंडमा के क्लोज थी। उसे अपना सारा टाइम माँ के साथ स्पेंड करना ही पसंद था। इनफैक्ट उनके जाने के बाद भी निकी मेरे पास तो कभी नहीं आई। वो तो कहती है कि मेरी माँ अभी भी उसके साथ है। ये है मेरी माँ। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इसी कमरे में ली। उनसे तो बिल्कुल चला भी नहीं जाता था। ग्रैंडमा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? क्या आपको पता है मेरी नई टीचर का नाम भी त्रिशा है। मुझे ये टीचर अच्छी नहीं लगती है। पता है वो मम्मी से हंस कर बातें करती है। मुझे दोस्त बनाने के लिए मेरे लिए दिन में कॉफी और रात में दूध लेकर आती है। फिर भी मुझे ये टीचर अच्छी नहीं लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंडमा, मुझे आपसे कुछ कहना है। यहाँ हमें इस टीचर को किसी भी तरह से भगाना होगा और आपको ये करना होगा। आप भूलोगे तो नहीं ना? प्रॉमिस। थैंक यू। ग्रैंडमा, मुझे नींद आ रही है। कल मिलेंगे। ओके बाय। पर कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा कि उन्हें प्रोटेक्शन देनी है। तुम्हें पता है ना, फाइनल हियरिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। मैडम, अगर आप पर्सनली उनसे बात कर ले तो। हमने पहले ही बात कर ली है। उन्हें अपनी सेफ्टी का डर है मैडम, पर अगर आप उनसे बात करेगी तो हमें उनका सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा, उनको मेरे ऑफिस में बुला लो। एक और प्रॉब्लम है, हमारे पहले गवाह ने तो हमारी बात मानी है, पर सिक्योरिटी ऑफिसर कोयम्बटूर चला गया है। सुना है अपनी फैमिली के साथ है। कोयम्बटूर में? बट स्वेता, ही इज अ प्राइम विटनेस। मैडम, उसे अपनी फैमिली के साथ रहना था। मुझे लगता है हमें उसे पर्सनली मिलने जाना पड़ेगा। टीचर, लेट हो गई आज आप। तुम्हारी स्टूडेंट पहले से ही स्टडी रूम में है। मुझे आज थोड़ी देर हो गई, सॉरी। ठीक है, मैं बताती हूँ तुमको। ओके मैम। निकी टीचर आज आप लेट आई हो। 10 to 11 इज माई प्ले टाइम। टीचर लगता है कल आपको नींद नहीं आई है, आज इसीलिए लेट आई हो, है ना? डरो मत, अब से तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। मुझे कल काम से कोयम्बटूर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ पर घर का ध्यान कौन रखेगा? घर की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं निकिता का पूरा ध्यान रखूंगी। क्या तुम्हें जाना जरूरी है माँ? अपने असिस्टेंट को नहीं भेज सकती? नहीं बेटा, ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हें कंपनी देने के लिए टीचर है ना यहाँ पर, तो टीचर को ही अपने साथ ले जाओ तुम, मैं अकेली रह लूंगी। निकी बच्ची है ना, 2 दिन ही तो है, मैं उसे संभाल लूंगी। थैंक्स। हेलो श्वेता। यस मैडम। कल सुबह चलना है, डोंट फॉरगेट। हाँ प्लीज। निक्की भी आ रही है मैडम? नहीं, बस हम दोनों चलेंगे। निक्की का ध्यान रखने के लिए उसके टीचर है यहाँ पर। हाँ, तुम केस फाइल की कॉपी बना लेना। हाँ ओके मैम। सही टाइम पर पहुँच जाना। ओके ओके मैम। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। ए निकी, हाँ मुझे आज रात आपके साथ सोना है। ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बुलाने पर तो कभी नहीं आई मेरे पास। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ओ, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं बिन बादल बरसात कैसे हो गई। माँ प्लीज मुझे भी अपने साथ कोयम्बटूर ले चलो। तुम जानते हो यहाँ से कोयम्बटूर कितना दूर है? जब भी हम टाउन तक जाते हैं तुम्हारे नखरे तो वहीं शुरू हो जाते हैं, तो फिर कोयम्बटूर तक कैसे ट्रैवल करोगी? मैं परेशान नहीं करूँगी, प्लीज ले चलो ना। बस 2 ही दिन की बात तो है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे लिए प्लीज। तो टीचर को अपने साथ ले जाओ। फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? माया मेरा ध्यान रखेगी। बेटा माया तो अपने घर चली जाती है ना रात को। तो फिर मैं ही अपना ध्यान रख लूंगी। अरे तुम्हें अपने टीचर से आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ ये वाली टीचर तो तुम्हारी पहले वाली सारी टीचर से अच्छी है। मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगती तो अपनी ग्रैंडमा की कहानियाँ सुनाकर अपनी टीचर को डरा रही हो तुम। मैं यहाँ किसी को नहीं डरा रही, ग्रैंडमा सबको डरा रही है। तुम्हारी ग्रैंडमा का भूत मेरे सर का दर्द बन गया है, इसीलिए कोई भी टीचर यहाँ पर आती नहीं है। मुझे पता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यकीन नहीं है? इस दुनिया में मैं बस तुम पर ही तो भरोसा करती हूँ। एक दिन आपको पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। और तो और ग्रैंडमा ने मुझसे आपके सामने आने का प्रॉमिस भी किया है। हाँ चलो, जब ग्रैंडमा आएगी ना तब देखेंगे, अभी सो जाते हैं। ओके तुम्हें मेरी बातें याद है ना? टीचर की बात मानना और शैतानी नहीं करना। मुझे प्रॉमिस किया है तुमने। कुछ भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके ठीक है। ओके निकी, बाय बाय। ओके बाय बाय माँ। हेलो, बिजी हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। ये रहा। ठीक है, तुम यहाँ खेलो, मैं नीचे अपने कमरे में हूँ। हेलो। हाय, मैंने निकी को कॉल किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। सब कुछ ठीक है ना वहाँ? निकी आज जल्दी सो गई। मैंने उसे मेरे पास सोने के लिए कहा था, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी देर में उसे चेक करते रहना। उसने तुम्हें आज परेशान तो नहीं किया ना? नहीं। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं हमेशा फ़ोन पे अवेलेबल होंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। Nikki, don't play with me. Come out. निकी, निकी, कहाँ चली गई थी? हे, सुनो निकी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हें खुद सोते हुए देखा था। मैं पूल के पास थी। डोंट लाई टू मी। तुम ही अपने ग्रैंडमा के कमरे में थी ना? मैं नहीं थी, ग्रैंडमा थी। ग्रैंडमा, 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 तुम्हारी ग्रैंडमा अब नहीं है। ये सेम वॉइस मैंने उस कमरे में सुनी थी। ये भी तुम्हारी ग्रैंडमा का कोई जादू होगा, है ना? अगर तुम ये सब मुझे यहाँ से भगाने के लिए कर रही हो ना, तो मत करो ये सब। तुम्हारी माँ के आने के बाद मैं चली जाऊंगी। It's okay. टीचर, क्या ये फोटो आपने बनाई है? नहीं, ये किसी ने मेरे लिए बनाई है। टीचर, क्या आप अभी मुझसे गुस्सा हैं? मैंने तो सॉरी बोल दिया है। मेरी दोस्त बनोगी? तुम सच कह रही हो ना? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। क्या आपको मेरी ग्रैंडमा पसंद है टीचर? तभी तो ड्राइंग बनाई है। तो ये आपने बनाई है? ग्रैंडमा के साथ मेरी बहुत सारी फोटोज माँ के फोन में थी, पर माँ का फोन खो गया और सारे फोटोज भी चले गए। निकी, देखो जैसे तुम्हारी ग्रैंडमा थी ना, वैसे मेरी भी थी। जैसे तुम अपनी ग्रैंडमा के बहुत क्लोज हो ना, मैं भी अपनी ग्रैंडमा के बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो आप भी अपने ग्रैंडमा को साथ क्यों नहीं लाई? मेरी ग्रैंडमा अब नहीं है। तो आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? जब मैं तुम्हारी जितनी छोटी थी, तब किसी एक्सीडेंट ने उन्हें मुझसे छीन लिया। उसके बाद मुझे मेरी ग्रैंडमा ने ही पाला है। पर कुछ दिन पहले वो भी चली गई। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स पता नहीं क्यों अलग हो गए। डैड तो कभी मुझसे मिलने भी नहीं आए। कोई बात नहीं। वैसे क्या तुम उस पेंटिंग को देखकर ही मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो? सच बताओ। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले दिन ही तुम्हें ये पेंटिंग गिफ्ट कर देती। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रैंडमा ने मुझे आपसे माफी मांगने के लिए कहा था। मैंने कभी किसी को नहीं डराया है। ग्रैंडमा डराती है। तुमने फिर से अपनी शरारत शुरू कर दी ना निकी। तुम अपने फ्रेंड्स को ऐसे डराती हो। मैं झूठ नहीं बोलती टीचर, मैं सच बोल रही हूँ। ग्रैंडमा यहीं पर है और वो मुझसे बात भी करती है। देखो, मैंने तुम्हारी टैब से सारी रिकॉर्डिंग सुन ली है और मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा का भूत तुम ही हो। मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं चलाई टीचर, वो मेरी ग्रैंडमा की आवाज़ थी। ग्रैंडमा को इन रिकॉर्डिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने माँ के लिए रिकॉर्ड किया था, पर जब मैं प्ले करती हूँ तो ठीक ठाक नहीं चलती। तुमने मुझे जब सॉरी कहा तो मुझे लगा कि तुम बदल गई हो। ये भी तुम्हारा मुझे यहाँ से भगाने का प्लान है क्या? इसीलिए मैं किसी को इस बारे में नहीं बताती हूँ। कोई मेरी बात नहीं मानता। तुम्हारे बार बार कहने से ये बात सच नहीं हो जाएगी। कोई प्रूफ है क्या? मैं अभी प्रूफ कर दूंगी। चलो आज। लाइट में ग्रैंडमा बाहर नहीं आएगी। ग्रैंडमा, मैं हूँ निकी। ग्रैंडमा, जैसा आपने कहा था मैंने सॉरी बोल दिया है, पर टीचर मेरी बात नहीं मान रही। ग्रैंडमा, आपको सामने आना ही पड़ेगा। इन्हें बताओ कि कल रात आपने उन्हें डराया था। ग्रैंडमा, अगर आप बाहर नहीं आई तो टीचर को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ। प्लीज बाहर आइए ना। प्लीज बाहर आइए ना। पड़ेगा, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, पर अपनी बात साबित करने के लिए इससे बात नहीं बनेगी। निकी, स्टॉप इट। निकी, ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारी ग्रैंडमा सच में यहाँ है, मुझे यकीन है। अब तुम खुश हो? बस बहुत हुआ, अब बाहर आओ। टीचर। निकी, 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 ओपन द डोर। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मुझे आज साबित करना ही है कि ग्रैंडमा सच में है। ग्रैंडमा कहीं नहीं गई। निकी, देखो, मजाक बंद करो और दरवाजा खोलो। अब तुम मुझे देख पाओगी। विश्वास है? रोशनी में ग्रैंडमा बाहर नहीं आएगी। क्या बात है? मैंने इसे कॉल किया था पर उसका फोन बंद है। फिर तुम कैसे आओगी? मुझे नहीं पता, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हारा उस बच्ची को छोड़कर आना सही रहेगा। कोई तुम्हारे भरोसे अपनी बेटी को अकेली छोड़कर गई है। उसे अगर कुछ भी हुआ तो तुम ही फंस जाओगी। बस आज रात के लिए मैनेज कर लो यार। उसकी माँ से बात करके कल घर आ जाना। ये बस मेरा सजेशन है। ये सिचुएशन तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। तुम्हें फिर भी आना है तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इस प्लान में माँ और बेटी दोनों तो शामिल नहीं। मेरा मतलब कौन अपने बच्चे को ऐसे किसी अजनबी के साथ छोड़कर जाता है? हेलो, हे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो हेलो, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। टीचर, क्या आप यहाँ से जा रही हो? टीचर, आपने ही तो प्रूफ मांगा था तो मैंने आपको प्रूफ दिया। अब जाना है तो चली जाओ। मैं माँ से बात कर लूंगी। टीचर, मैं हूँ निकी। क्या आज आप डिनर नहीं करोगी? नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं 10 मिनट आपके लिए रुकूंगी, उसके बाद मैं अकेली ही खा लूंगी। खाओ, सो जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। खुद को कमरे में बंद करने से कुछ नहीं होगा। ग्रैंडमा बंद कमरे में भी आती जाती है। नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, परेशान मत करो प्लीज। निक्की, मैं तुमसे ही कह रही हूँ। निक्की, ग्रैंडमा आपको कुछ नहीं करेगी। उन्हें तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। तभी तो उन्होंने मुझे आपसे सॉरी बोलने के लिए कहा था। ये आपका डर ही आपका प्रॉब्लम है। डरिए मत ना टीचर, ग्रैंडमा आपको कुछ नहीं करेगी। उन्हें अगर ऐसा करना होता तो अब तक आप यहाँ नहीं होती। ग्रैंडमा आपको कुछ नहीं करेगी। जो टीचर साहब से पहले आई थी उन्होंने मुझे मारा था, इसीलिए ग्रैंडमा ने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। ग्रैंडमा तो आपसे मिलना चाहती है, पर वो सामने आते ही आप डर जाती हो। टीचर आपको कुछ बताऊं मैं, ग्रैंडमा अब भी यही है डाइनिंग रूम में। ग्रैंडमा ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। मैं नहीं आऊंगी, देखो मेरे पास बताना, मैं कल चली जाऊंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, मैं ग्रैंडमा को बता देती हूँ कि आप नहीं आओगी, फिर उन्हें ही डिसाइड करने देंगे। टीचर अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगी तो फिर ग्रैंडमा आपको लेने आएंगी। फिर मत कहना कि मैंने नहीं बताया। निकी, मैं आऊंगी। ग्रैंडमा नीचे है, चलिए ना टीचर। मैं आपके साथ हूँ ना, आओ। चलिए ना टीचर। अरे डरिए मत ना टीचर, मैं हूँ ना आपके साथ। जाइए। ग्रैंडमा, टीचर बहुत डर गई है। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? निक्की, टीचर को खाने को दो। खाना शुरू करो टीचर। निक्की ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, फिर भला तुम डर क्यों रही हो टीचर? तुम्हारा ये डर ही मुझे तुम्हारे पास लाया है। जब तुम यहाँ पर आई थी तब तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता था, तब तुम नहीं डरती थी, है ना? निक्की ने जब तुम्हें मेरी आत्मा के बारे में बताया तब से ही तुम डरने लगी, है ना? तुम्हारा ये डर ही मुझे तुम्हारे सामने ले आया। किसी आत्मा का जिंदा लोगों के सामने आने के लिए एक ही रास्ता होता है और वो है उसका डर। तुम और तुमसे पहले आई सारे टीचर्स को निक्की ने मेरे बारे में बताया था, जिससे तुम डरने लगी थी और तुम्हारा ये डर ही तुम्हें मेरे सामने ले आया। पर मेरी बेटी, हाँ, उसे तो मुझसे कभी डर ही नहीं लगा, इसलिए मैं कभी उसके सामने आ ही नहीं पाई। उसे कभी भी मुझसे डर लगा ही नहीं, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं ना। हाँ, सब आत्माओं से डरते हैं, पर अपनी ही माँ की आत्मा से भला कौन बच्चा डरेगा। जैसे मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ, उसी तरह मुझे उससे भी बात करनी है। मुझे एक बार उससे बात करनी है। निक्की ने उसे कितनी बार बताया होगा कि मैं अब भी इसी घर में हूँ, पर उसे यकीन ही नहीं होता। उसे ऐसी बातों पर भरोसा ही नहीं है। पर टीचर, उसे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने ये कर दिया, अगर तुमने उसे यकीन दिला दिया, तो उसे डर लगेगा। तभी मैं अपनी बेटी से बात कर पाऊंगी। बस इसीलिए मुझे तुमसे मिलना था। मैंने इससे पहले कभी किसी दूसरी टीचर से बात नहीं की। उन्हें कभी अपनी इच्छा नहीं बताई, क्योंकि उन्हें बस पैसों से प्यार था। प्रिया के पीछे निक्की को हर टीचर ने टॉर्चर किया, पर तुम अलग हो। मुझे तुम्हारी सारी परेशानियां पता हैं। तुम अपने पति का सच भी जानती हो और उससे भागने के लिए ही तुमने ये जॉब ली है यहाँ। मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। मैंने अपनी सारी इच्छा तुम्हें बता दी। मेरी मदद करोगी ना तुम? बस तुम ही ये कर सकती हो। मेरी मदद करोगी? तुम्हारे अंदर से मेरा डर चला गया होगा। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊंगी, पर ऐसा होने से पहले तुम्हें एक बार प्रिया को डराना होगा, जिससे मैं उससे मिल पाऊं। तो बिना डरे निक्की तुम्हें कैसे देख सकती है? निक्की अभी बच्ची है। मेरे सामने आने के लिए इसका मुझसे डरना जरूरी नहीं है। ग्रैंडमा, टीचर तो कल जा रही है। मेरी परमिशन के बिना टीचर कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाओगी ना? हाँ? प्रिया कल घर आ रही है। तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं इसी घर में हूँ। तुम्हें उसे डराना होगा। क्यों डराओगी ना? मेरी बात अच्छे से समझ गई ना? मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। टीचर, ग्रैंडमा चली गई है। मैंने कहा था ना ग्रैंडमा आपको कुछ नहीं करेगी। जा रही हूँ, आप मुझे आज के लिए बहुत हुआ, अब हम कल खेलेंगे। बस एक और बार प्लीज। माँ, माँ, हाय, हाय। अरे बस 2 दिनों में ऐसा क्या जादू हो गया यहाँ पे? इतनी जल्दी तुम दोनों फ्रेंड्स कैसे बन गए? हाँ, बताओ, कुछ बात करनी थी तुम्हें, है ना? मुझे अर्जेंट नहीं हो तो क्या हम कल बात कर लें प्लीज? मैं काफी थक गई हूँ आज। ओके, फिर रेस्ट करो। सुनो, जाते जाते जरा दरवाजा लगा देना। थैंक यू। आपको याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे मैंने कहा था दैट आई ट्रस्ट यू? मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे वाकई आप पर काफ़ी भरोसा है। तुम मेरी फ्रेंड, मेरी बहन, मेरे लिए तो बिल्कुल फैमिली जैसी हो। मुझे तो अब तक यकीन नहीं होता है कि तुम दोनों इतनी जल्दी दोस्त बन गए हो। मुझे तो लगा था कि शायद तुम ये जॉब छोड़कर चली जाओगी। कल रात जो हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो मैं भी शायद चली गई होती। कल रात? क्या हुआ कल रात? बताऊंगी, पर उससे पहले क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? परमिशन क्यों मांग रही हो? हम कोई कोर्ट कचहरी में थोड़ी ना खड़े हैं। जो पूछना है पूछो। निक्की अभी अपनी ग्रैंड माँ को बहुत मिस करती है। क्या कभी भी तुम अपनी माँ को मिस करती हो? हाँ, मिस तो करती हूँ। उनके आखिरी दिनों में मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाई। मैंने उनका ध्यान नहीं रखा, बल्कि एक नर्स ने उनका ध्यान रखा था। पर माँ चाहती थी कि मैं उनके साथ में रहूँ, कहीं जाऊँ नहीं। इस बात पर वो अड़ जाती थी, लेकिन मेरा काम ही ऐसा था। मैं उनके साथ रहकर उनका ध्यान नहीं रख पाई। मुझे लगता था कि माँ हमेशा मेरे पास रहेंगी, लेकिन फिर अचानक से माँ भी चली गई। उनके जाने के बाद से मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। बल्कि मैं इसे मिस करना नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी कि शायद मैं गिल्टी हूँ। मुझे उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। मैंने उनका ध्यान नहीं रखा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ना तो उनके सपने सुनने का और ना ही उन्हें पूरा करने का। अगर मैंने ऐसा किया होता, अगर मैंने उनका ध्यान रखा होता तो शायद आज भी मेरी माँ मेरे साथ होती। I'm sorry। क्या कभी भी तुमने अपनी माँ से दोबारा मिलने के बारे में सोचा है? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उनके पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर ये तो पॉसिबल है नहीं। है, तुम उनसे दोबारा मिल सकती हो। कैसे? ग्रैंडमा अभी ये तो बस छोटा सा एडवांस अमाउंट है। आप फाइनल अमाउंट बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा। जॉन, मुझे लगता है कि शायद तुम पैसे को भगवान मान चुके हो, लेकिन ये भूल गए हो कि हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। तुम भी जानते हो कि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं, तो मुझे तुम पैसों से खरीद नहीं सकते। सॉरी। मैं समझ गया मैडम, लेकिन हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। सबूत दे दीजिए मैडम। जो सबूत मेरे पास है ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? कोयम्बतूर में जब आप गवाह से मिलने गई थी, तब आपने सबूत भी इकट्ठा किए थे, और ये सब हम जानते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। केस की फाइनल हियरिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। प्रोसिक्यूशन के लॉयर को खरीदने की कोशिश करना इज अ मेजर लीगल ऑफेंस, जानते हो ना? आप तो जानती है मैडम, रूल्स तो तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। अब आपको क्या बताना। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप जैसे लॉयर का धंधा चलता कैसे आखिर? हमारे बिना आप क्या हैं? हमारे बिना तो ऑफिस में मक्खी मारती फिरो। मैडम जी, ये केस कैसे भी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, यही सब देख लेते हैं। और वैसे भी गलती तो हमारी साइड से ही हुई है मैडम। हमें दरअसल पता नहीं था कि लड़की अंडर एज भी हो सकती है। अब भला ये सब सोचने का टाइम किसके पास होता है मैडम? हम जानते थे कि पैसे देके तो सारा काम हो जाता है, लेकिन हमें सच में नहीं लगा था कि लड़की बस इतने में मर जाएगी। मैडम, आपके बीच में आने से ना लड़की के खानदान वाले बहुत उछल रहे हैं, वरना थोड़े से पैसे लेके ये केस वापस ले लेते और शहर छोड़ के भी भाग जाते। मैडम जी, जो वीडियो फिलहाल आपके पास है, अगर कोर्ट में पहुंच गई तो अच्छा नहीं होगा। आप हमारी साइड आ जाइए, वैसे भी हम दोनों का ही इसमें फायदा है। मैं सारे सबूत कोर्ट में सबमिट कर दूंगी, तुम वहीं से जाकर ले लेना। तुम्हारे लिए ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो यही आपका आखिरी फैसला है? अच्छा रहेगा कि आप इसके बारे में थोड़ा और सोच लें। नहीं मार्टिन, फाइल उठा लो। मैडम जी को तो इस डील में इंटरेस्ट ही नहीं है। चलिए फिर ठीक है मैडम, हम कोर्ट में मिलेंगे आपसे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये फैसला आप ही के हक में हो मैडम। ये लोग माइनर लड़कियों का रेप करके उनका मर्डर कर देते हैं। यहाँ पर आए थे इनके खिलाफ इकट्ठा सबूत मुझसे खरीदने के लिए, जो मैं अगर दे देती ना तो पता नहीं ये लोग और कितनी मासूम लड़कियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करेंगे। परेशान होने लग गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत काम करना है। तुम लोग डिनर करके सो जाओ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ बता पाती, आपकी बेटी काम में बिजी हो गई थी तो मैं उनसे कुछ बात नहीं कर पाई। मेरी बेटी ऐसे ही है, वो सच्चाई की जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी उसे केस पर फोकस करने दो। मेरी बेटी ये केस जरूर जीतेगी। जब प्रिया जीतकर घर वापस आएगी तब उसे मेरे बारे में बताना। ना, मुझे अपने घर जाना। एक आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। जाओ, अपने कमरे में जाओ। जब तुम्हारे जाने का टाइम आ जाएगा तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी, पर तब तक तुम यहीं रहोगी। बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी माँ कानून के हिसाब से चलती है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं तो बस उसे एक और बार और समझाऊंगा, समझ गई तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना? जानती है हालात ऐसे क्यों हो गए? तेरी वजह से। मुझे बस इतना जानना है कि सबूत कहां पर छुपा है, तो मैं चुपचाप अपने सबूत उठा के चले जाऊंगा। टाइम नहीं है तुझ पे, चल बता सबूत कहां पर है? ये टेप किसने लगा दी? चल बता कहां पर है, जल्दी बता। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बता कहां पर है? मर भी जाऊंगी तो भी नहीं बताऊंगी। तुझे मारने से पहले ना मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, तो अच्छा रहेगा कि अपनी नारी शक्ति कोर्ट में जाके दिखा, समझी? चल बता, बता सबूत कहां पर है? तेरे साथ मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन तू कुछ भी करके अपना मुंह नहीं खोलेगी ना। मैं अच्छे से जानता हूं कि तेरा मुंह कैसे खुलवाना, समझे? चल तेरी। चल तेरी। मैं तेरे बच्चों को नहीं मारना चाहता हूँ, समझी? पर तू नहीं बताएगी तो वो जो वहाँ पर बैठा है ना, उसे ऐसा बहुत पसंद है। बेचारे छोटे बच्चे, इससे पहले तेरी बेटी को कुछ हो जाए अच्छा रहेगा कि तुम मुझे वो सबूत। ठीक है, पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तूने सुबह पैसे लेकर मुझे वो सारे सबूत दे दिए होते, मुझे ये सब करने की नौबत बिल्कुल नहीं होती। ये कैसे पता चलेगा कि तूने उसकी कॉपी बना रखी है? अगर कॉपी लेके कोर्ट में पहुंचेगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुझे मारना ही सबसे ज्यादा सेफ होगा। सही कहा ना? अरे हाँ, यही सही रहेगा। मार्टिन, चॉइस नहीं है मेरे को। निकी, पता नहीं उसने सबूत कहां पर छिपाए होंगे, लेकिन हम उसे कोर्ट नहीं पहुंचने दे सकते। मन में मेरा डर नहीं है क्योंकि उन्हें मेरे बारे में नहीं पता, इसीलिए उन्हें डराने के लिए भी मैं उनके सामने नहीं आ पाई। टीचर, तुम अब भी मुझसे डरती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आ पाई, लेकिन उन्हें नहीं डरा पाई। जब मुझे यहाँ से जाना था तब आपने कहा था आप मुझे जाने नहीं देंगी। ये सब मैंने तुम्हारा डर बनाए रखने के लिए कहा था, तभी तो मैं अपनी बेटी के सामने आ सकती थी। मेरी बातों ने तुम्हारे अंदर डर पैदा किया। सच तो ये है कि मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकती। मैं तो बहुत पहले मर गई थी टीचर, और हम मरे हुए लोग जिंदा लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? जैसे उन्होंने मेरी बेटी को मारा, तुम्हें भी उन्हें मारना होगा, तुम्हें उन्हें मारना ही होगा, तभी तुम यहाँ से आजाद हो पाओगी। Yes, I can. निकी, तुम जाकर छुप जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना, ओके? डरो मत, मैं जरूर वापस आऊंगी। टीचर, उनमें से एक के पास गन है और उनके पास ही घर की चाबी है। ओके। मार्टिन, क्या हुआ भाई? ये सब उसी ने किया होगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। अब कोई रास्ता नहीं है, चल। इतना बड़ा घर है और जनरेटर भी नहीं है, जाके चेक कर। ठीक Martin! उसकी तुम में ग्रैंडमा के साथ रहूंगी। निकी, ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया है। इस घर में कोई भी जिंदा नहीं बचा है, तो अब से मैं तुम्हारी माँ, ग्रैंडमा सब कुछ हूँ। तुम्हारी माँ के जैसे ही मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जा सकती टीचर, मेरी चिंता मत करो आप, मेरे साथ माँ और ग्रैंडमा है। सबूत की सच्चाई को जिताने के लिए, कुछ दिन के लिए सही, पर मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। मेरी अच्छी दोस्त बनने के लिए थैंक्स। मैं तो यहाँ एक बार अपनी बेटी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन उसके जीते जी तो मैं ये नहीं कर पाई। फिर भी आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने साथ इन सबको ले जा रही हूँ। उस जगह पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है जहाँ पैसे और ताकत के लिए कोई एक दूसरे से नहीं लड़ता। उस जगह सब एक समान है। हर इंसान को एक ना एक दिन उसी जगह आना है जो हमारी दुनिया है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि जीते जी लोग ऐसे क्यों लड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच गई हो टीचर? जब तक जॉन और मार्टिन जैसे बुरे लोग इस दुनिया में जिंदा रहते हैं, तब तक कोई भी इंसान चैन से जिंदा नहीं रह सकता है। आज मनुष्य ही पूरी मानव जाति का दुश्मन बन गया है। समझ जाओ इस बात को।